अस्सलाम वालेकुम वर्स, क्या हाल चाल है? इंशाल्लाह सब अच्छा। आप अपने घरों में खराफियत से होंगे और खूब खूब अल्लाह ताला की हमद सना बयान कर रहे होंगे। जी वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा नाश्ता और झटपट बनने वाला नाश्ता। जी वीवर्स, ये वाकई ही में जल्दी बनने वाला नाश्ता है। तो मैंने दो अंडे ले लिए हैं और उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब, टी स्पून के करीब नमक और 1 टी स्पून के करीब सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स डाली हैं। इनको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब जीरा भी डाला है। इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। जितना ही अच्छा बीट होगा उतना ही आपका टोस्ट जो है वो फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। जी व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। जी व्यूअर्स, साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन भी डाल दबा दें। साथ में इसमें आप डाल दें, आपके पास अगर कैबिज और प्याज कटे हुए क्रश पड़े हुए हैं तो डाल दें, नहीं है तो इसे स्किप कर दें। जी व्यूअर्स, इसको अंडे में स्लाइस को डिप करें, तवे पे घी लगाएं। देसी घी मैंने लगाया, आप जो चाहें लगा सकते हैं। लगाकर आपने जो स्लाइस अंडे में डिप किया था वो इसके ऊपर रख दें और दोनों साइडों से इसे गोल्डन ब्राउन कर लें। और जनाब, गोल्डन ब्राउन करने तक आपने इसको अलट पलट करते रहना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये ना हो कि आपका जो है स्लाइस कहीं से टूट जाए। जी व्यूअर्स, जो कैबेज थी वो भी इसके ऊपर अंडे के ऊपर लगा दें, क्योंकि वो हेल्दी होती है, हैवी होती है और वो नीचे सरफेस पर बैठ जाती है। इसको बाद में स्लाइस के ऊपर लगा दें। जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? बच्चे ठीक हैं? छुट्टियां, आज रजब की कौन सी तारीख है? किस किस ने रोज़ा रखा है माशाल्लाह से? अल्लाह ताला की इबादतों को कबूल और मंजूर फरमाए और आपकी दरीना ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। जी व्यूअर्स, गोल्डन ब्राउन एक तरफ से हो गए हैं, इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है। जी ये लें, हमारा नाश्ता रेडी है। आप भी अपना नाश्ता बनाएं और करें और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए आपने ब्रेकफास्ट बनाया तो कैसा सा बना। स्टे विद अस, स्टे ब्लेस्ड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।